नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के। नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। शंकरपुरवा में प्रशासन के सारे दावे फेल, अभी तक नहीं मिला कोई भी सरकारी मदद। पैलानी तहसील के अंतर्गत 3 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं लोग। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक गांव के बाहरी इलाके में पानी घुस चुका है, वहीं कुछ गांव के अंदर भी पानी घुस गया, लेकिन अभी तक पैलानी तहसील प्रशासन का कहना है कि किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंचा है। तहसील क्षेत्र के नाजादेव के मजरा शंकरपुरवा में आज रविवार को पानी घुसने से मजरे के लोगों ने अपने लिए सुरक्षित आसियाना ढूंढा और मजरे के लोगों ने एक टीले में अपने रहने के लिए पन्नी व पुरानी साड़ियों से तंबू लगाना शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से अभी तक ना ही मेडिकल टीम भेजी गई। गांव के लोगों का कहना है कि बिजली न होने की दशा पर मिट्टी का तेल भी नहीं दिया गया, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बाढ़ प्रभावित चौकी में भी कोई नहीं आता। जब इस संबंध में पैलानी के उप जिलाधिकारी राम कुमार से बात करनी चाहिए तो उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा। आज सिल्ला की यमुना नदी खतरे के निशान से 1.86 मीटर ऊपर चल रही है। जल आयोग के अनुसार यमुना नदी में लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी आ रहा है, जिस वजह से कैन व चंद्रवल नदी बढ़ रही है। 3 नदियों के प्रभाव से हजारों बीघा खेत जलमग्न हो चुके हैं। यमुना नदी में लगातार पानी आने की वजह से बांदा कानपुर स्टेट हाईवे फतेहपुर जनपद की ललोली में पानी भर जाने से आवागमन बंद कर दिया गया है। परसेंदा में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कानपुर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को हर जगह से रोक दिया है। उधर इसी मार्ग पर पड़ने वाले फतेहपुर जिले के ललोनी कस्बे में बाढ़ का पानी सड़क में काफ़ी ऊपर से बह रहा है, जिससे दोनों तरफ का यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फ्लड PSC तैनात कर दी गई है। चिल्ला कस्बे में यमुना खतरे के निशान से 100 मीटर से 1.86 मीटर ऊपर, यानी 101.86 मीटर बह रही है। CO सदर सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया है कि बांदा कानपुर रोड के लालोनी में यमुना का पानी सड़क पर आ जाने की वजह से परसेंदा से लेकर फतेहपुर तक यातायात पूरी तरीके से रोक दिया गया है। खतरे को देखते हुए छोटे से लेकर बड़ी गाड़ियों तक किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। दोनों तरफ पुलिस बालों की तैनाती कर दी गई है और लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर। और ये बताइए कौन सा गाँव है ये? ये भाटा है। किस तरह की आप लोगों के यहाँ पर समस्या होती है आने जाने में? देखो, हम तो पड़ोरा के ही, यहाँ से लास्ट गांव आता है नदी से। नदी यहाँ से लास्ट 2 घंटे का सफर पड़ेगा नाव का यहाँ से। अच्छा, तो हमारे लिए तो हर चीज़ की किल्लत है। पड़ोरा अच्छा। गांव हर तरफ से गिर जाता है नदी से, तो कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं है। समझो कोई बीमार हुआ तो एक ही नाव हो, ये हमारी जो गाँव की तरफ से। शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी नाव? प्रशासन के द्वारा अभी तक तो कोई आया नहीं है। अच्छा, फिलहाल आगे देखो क्या मदद आती है। यदि शासन प्रशासन के द्वारा कोई बोट वगैरह की कोई आदि की व्यवस्था नहीं? की व्यवस्था नहीं। अच्छा, कितने लोग एक नाव में जाते हैं? नाव में देखो कभी 30 आते 40 आते, कभी कभी ज़्यादा हो गए तो 45-50 आदमी हो जाते। यानी मजबूरन में आप लोगों को नाव से जाना? मजबूरी है। कितने गांव में यहां पर प्रभावित हैं? कितने गांव में के बाद आगे के जो गाँव हैं वो भी प्रभावित हैं? मड़ौली है, हमारा है। अच्छा, उनका भी वही यही रूट है ना। अच्छा, तो सभी जगह पानी भरा हुआ है घर? सभी लोग इसी नाव द्वारा आते जाते? शासन प्रशासन ने अभी तक कुछ?